हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळेकर है। ये चैनल में आपका स्वागत है हमारे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको काफ़ी सारी समस्याएं रहती है और उसमें से हमको रास्ता निकलते मतलब मिलता नहीं है या निकलता नहीं है, और फिर क्या करना समझता नहीं, सोचता नहीं। मगर हमारा बाजू वाला, हमारा दोस्त, वो जल्दी उसके ऊपर सोल्यूशन बता सकता है। ऐसा क्यों होता है? हम कुछ प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, हमको दिखता नहीं है, तो हमारा कोई भी व्यक्ति, बाजू वाला, दोस्त, रिलेटिव, कोई भी उसका रास्ता बता देता है, और हमको लगता है कि हमको अभी तक ऐसा दिखा नहीं, उसको ऐसा दिख गया। तो ऐसी समस्या आपको आती है तो उसमें क्या करना मैं आपको बताता हूँ। तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळेकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हमको जीवन में आते रहते हैं। हो सकता है कि आपके आपके पत्नी के साथ में अनबन हुई है कुछ बातों के ऊपर, हो सकता है कि आपका धंधा नहीं चल रहा बराबर, हो सकता है कि आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है बराबर, हो सकता है कि आपकी हॉबीज़ पूरी नहीं हो रही है, हो सकता है कि आपका इनकम जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, हो सकता कुछ भी, उसमें से रास्ता निकलता नहीं है। हो सकता पढ़ाई बराबर नहीं हो रही है, हो सकता है टीचर ने कुछ तो भी बोल दिया, ट्यूशन क्लास में कुछ हुआ, करना क्या। क्या होता है कि यदि ये प्रॉब्लम लेके कोई अपने पास में आता है तो हम उसको बराबर सॉल्यूशन बता सकते हैं, मगर हम जब अंदर घुसे हुए समस्या में तो उसका हम सॉल्यूशन देख नहीं सकते या उसका सॉल्यूशन हमको मिलता नहीं। तो करना क्या है कि जब भी आपको कोई समस्या आती है या उसमें से रास्ता निकलता नहीं है या कोई कठिन ऐसा लग रहा है कि उसमें से क्या करना, कहाँ स्टक हो गए हैं, आगे नहीं बढ़ रहे, उस समय क्या करना है कि कोई भी अपने दोस्त को, जो अपना वेल विशर है, उसके पास में जाइए, उसको पूरी समस्या कथन करो। जब आप कथन करेंगे ना और वो सुन लेगा तो 50% आपको उसका जवाब बोलते बोलते मिल जाएगा उसमें से क्या रास्ता है, और दूसरा 50% वो जब सुन लेता है तो वो समस्या के बाहर है, वो समस्या में तो अंदर नहीं है। वो समस्या के बाहर रहने से उसको जल्दी दिखता है कि इसमें सोल्यूशन क्या होगा, और वो आपको सोल्यूशन बता देगा। वो आपका वेल विशर है, दोस्त है, रिलेटिव है, कोई भी होगा वो आपको, कि वो समस्या में अंदर घुसा हुआ नहीं है। आप जब समस्या में रहते हो तो आपको उसमें से रास्ता दिखता नहीं है, समस्या के बाहर जब रहते हो तो रास्ता दिखता है। तो क्या करो, आप कल्पना ये करो कि एक्चुअली किसके पास में जाओ और उसके पास में कथन करो, जाके बोलो, जो आपका वेल विशर है आपको रास्ता मिलेगा, वो भी आपको रास्ता बता देगा। या फिर अकेले में बैठो, अकेले में बैठो, सोचो कि समझो ये समस्या लेके कोई मेरे पास में आता है व्यक्ति, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा, क्या मैं उसको सॉल्यूशन दूंगा, क्या रास्ता बताऊंगा। तो ये जब आप करते हैं तो आप समस्या के बाहर रह के समस्या में देख सकते हो। ये जो है कि हमारे लाइफ में हम खुद के गुरु नहीं बन सकते, हमारे लाइफ में हम खुद को कोचिंग नहीं कर सकते, बाकी कोई भी कर सकते, क्योंकि वो हमारे जो दिमाग में चल रहा है, मतलब जो हमको दिखता नहीं है, जो हमारे दिमाग के पीछे चल रहा है, वो उसको दिख जाता है और वो बता देता है कि ऐसा ऐसा करो या आपको रास्ता मिल जाएगा। हो सकता है कि आपको जो भी समस्या आई हुई है वो समस्या और किसी को रहती है, या वो समस्या उसको होंगी, तो एक सक्सेसफुल आदमी को सामने लाओ और वो सक्सेसफुल आदमी, वो सफल आदमी, ये समस्या उसको आएंगी, समझो आती है, तो उसमें वो क्या करेगा, वो भी आप सोच सकते हैं। क्यों, क्या करेंगे वो, किस तरह उसका हल करेंगे, किस तरह वहाँ से सोल्यूशन निकालेंगे, और वो यदि उसमें से सोल्यूशन निकालता है, कैसा निकालेंगे आपको समझ में आता है, तो वो अपना वो रास्ता अपना लो, आपको रास्ता मिल जाएगा। तो ये ज़रूर आप करो। यदि आप ये करते हैं, पहला कि एक्चुअली किसी के पास में जाके वो समस्या बोलते हैं, जो आपका वेल विशर है, कोई नहीं होगा तो आप अपने आप को पूछते हैं कि मेरा वेल विशर इसमें क्या बता देंगे, और तीसरा आप कोई सफल व्यक्ति ये इसमें कैसा करेंगे ऐसा आप सोच सकते हैं, कि समस्या आई तो सफल व्यक्ति इसमें से कैसा रास्ता निकालेगा। ये आप करते हैं तो कोई भी समस्या आपको आती है उसमें से डेफिनेटली आपको रास्ता मिल जाएगा और आप सफलता वो एरिया में, वो क्षेत्र में पाएंगे। आप जरूर ये वीडियो लोगों को शेयर करो, काफ़ी लोगों को इसमें प्रॉब्लम होंगे तो उनको उसमें से रास्ता मिल जाएगा कि ऐसी समस्या आती है तो करना क्या है। आपके व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर, फेसबुक के ग्रुप के ऊपर जरूर ये वीडियो शेयर करो। आपको अच्छा लगा जरूर सब्सक्राइब करो हमारा चैनल, और बाजू में जो बेल का चित्र आता है उसको भी क्लिक करो, ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आपको आ जाएंगे।
हमारा जो मिशन है वो है मानसिक स्वास्थ्य सबके लिए, मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, और व्यसन मुक्त भारत, सबको पावरफुल बनाना। तो ये इसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।